नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेड लाइक एमबीए में। आज इस वीडियो में हम 2021 के वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड आईपीओस व्हिच इज जोमैटो आईपीओ के प्रोसेस के बारे में बात करेंगे एंड ये देखेंगे कि रिटेल इन्वेस्टर्स को क्यों सिर्फ जोमैटो के वैल्यूएशन नंबर्स को देखकर ही आईपीओ में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए एंड क्यों जोमैटो का आईपीओ काफ़ी बड़ा ट्रैप हो सकता है फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स, जिससे उनका हार्ड अर्न मनी फंस जाए इस आईपीओ में। जोमैटो का आईपीओ ड्रीम 2021 के स्टार्टिंग में क्लियर होता नजर आया जब कंपनी ने $650 मिलियन रेज किए थ्रू प्राइवेट इन्वेस्टर्स फॉर आईपीओ प्रिपरेशन इन लेट 2021। जोमैटो अपने शेयर्स का अप्रॉक्सीमेटली $1.1 बिलियन यानी कि ₹8,250 करोड़ टेंडर करेगा इन द आईपीओ, जिसमें से प्राइमरी मार्केट इशू के लिए $1 बिलियन एलोकेटेड है एंड सेकेंडरी मार्केट के लिए अनदर $100 मिलियन। As already explained, Zomato ने recently $250 मिलियन raise किए थे at a post-money valuation of $5.4 बिलियन। Hence, IPO के बाद Zomato is expecting at least $6.4 बिलियन का valuation. Zomato के promoters and other venture capital investors Zomato के IPO के कुछ time बाद उसका valuation approximately $10 बिलियन का estimate लगा रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो Zomato इंडिया की मोस्ट वैल्यूएबल फूड टेक स्टार्टअप बन जाएगा। बट जोमैटो के इन्वेस्टर्स का ये ड्रीम अभी काफ़ी दूर है, जिसके रीजंस मैं आपको आगे के सेक्शंस में बताऊंगा। पॉसिबल चैलेंजेस फॉर जोमैटोज $10 बिलियन वैल्यूएशन ड्रीम। काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स का बिलीफ है कि नाउ इज़ द बेस्ट टाइम फॉर जोमैटो टू गो पब्लिक थ्रू आईपीओ प्रोसेस। एक मेजर ड्राइवर इस बुलिश आउटलुक का ये है कि कोविड पैंडमिक की वजह से फूड डिलीवरी बिजनेस जैसे कि जोमैटो के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी साबित हुई है। बट अनलाइक प्राइवेट मार्केट्स, पब्लिक मार्केट्स किसी भी कंपनी का वैल्यूएशन करने के लिए उसके फाइनेंशियल डेटा पर काफ़ी ध्यान देते हैं रादर देन प्रमोटर्स प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़। फाइनेंशियल मेट्रिक्स जैसे कि प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ एंड फ्री कैश फ्लो काफ़ी क्रिटिकल हैं पब्लिक मार्केट्स में सक्सेसफुल होने के लिए। बट एज वी ऑल नो, ये मेट्रिक्स जोमैटो के वीक पॉइंट्स हैं रादर दैन द स्ट्रेंथ्स। एक काफ़ी पॉपुलर बिलीफ ये है कि जस्ट लाइक एनी अदर ई कॉमर्स बिजनेस वर्ल्ड वाइड, कोविड पैंडमिक की वजह से वर्क फ्रॉम होम एंड सिटी लॉकडाउन की वजह से जोमैटो के फूड डिलीवरी बिजनेस को अच्छा खासा बूस्ट मिलना चाहिए। इनफैक्ट जोमैटो के ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस डेटा से जो कंपनी ने सेबी में डिक्लेयर किए हैं फॉर इट्स आईपीओ प्रोसेस, उससे पता चलता है कि जोमैटो का एवरेज ऑर्डर वैल्यू हैज इंडीड इंक्रीज्ड फ्रॉम ₹278 पर ऑर्डर इन फाइनेंशियल ईयर 2019 टू ₹400 पर ऑर्डर इन द फर्स्ट 9 months ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2020, विच इज़ अ गुड साइन फॉर जोमैटो। इंडिया में किसी भी फूड डिलीवरी बिजनेस को प्रॉफिटेबल होने के लिए ₹400 पर ऑर्डर का मिनिमम माइलस्टोन अचीव करना होता है। अगर जोमैटो के कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन के बारे में बात करें, which is in fact revenue minus variable cost, तो it has turned positive for Zomato in FY 2020, जो कि पहले अभी तक negative हुआ करता था। आप ये data इन तो chart से भी देख सकते हैं। Hence, Zomato का contribution margin has grown from -30 per order in FY 2019 to ₹22 per order in the first 9 months of FY 2020. नाउ लेट्स डू सम रियलिटी चेक ऑन ऑल दोज डेटा पॉइंट्स जो अभी हमने देखा था एंड उससे कुछ डीपर इंसाइट समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना है कि पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन ओनली इंडिकेट्स पाथ टूवर्ड्स प्रॉफिटेबिलिटी। एक्चुअल में कंपनी विल अचीव प्रॉफिटेबिलिटी और नॉट, ये प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है एंड इसकी कोई गारंटी भी नहीं है। अगर आप गिवन बिजनेस मेट्रिक चार्ट से देखें तो डिस्पाइट हैविंग पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन इन FY 2020, जोमैटो का ₹682 करोड़ का लॉस हुआ था इन जस्ट 9 months। इसके साथ साथ जोमैटो का 33% रेवेन्यू डिक्लाइन भी हुआ है इन FY 2020, जो कि पिछले साल अप्रॉक्सीमेटली 2740 करोड़ का था। अलॉन्ग विद दिस, नंबर ऑफ मंथली ट्रांजैक्टिंग यूजर्स भी काफ़ी कम हो गए हैं फॉर जोमैटो, फ्रॉम 10.7 मिलियन टू ओनली 5.8 मिलियन, विच इज़ रफली 50% का डिक्लाइन। जोमैटो के नंबर ऑफ गोल्ड कस्टमर्स विच इज़ नाउ रीब्रांडेड टू जोमैटो प्रो, ये कस्टमर्स भी 1.7 मिलियन से कम होकर ओनली 1.4 मिलियन है करेंटली।
यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है कि जब जोमैटो ने गोल्ड से प्रो में ट्रांजिशन किया तब काफ़ी सारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स थे जिन्होंने प्रीवियस प्लान को इनहेरिट कर लिया विदाउट पेइंग एनीथिंग एक्स्ट्रा और देवर ग्रांटेड मेंबरशिप फॉर फ्री थ्रू पार्टनर प्रोग्राम्स ऑफ अदर कंपनीज। अब जोमैटो के कॉम्पिटिटर्स का एनालिसिस करते हैं बोथ इन इंडिया एंड इंटरनेशनली। जोमैटो के जैसे यूएस में फूड डिलीवरी स्टार्टअप डो डैश भी एक लॉस मेकिंग स्टार्टअप है जो रिसेंटली पब्लिक मार्केट में लिस्ट हुआ थ्रू आईपीओ प्रोसेस। सिंस डो डैश जैसी कंपनी एक लॉस मेकिंग स्टार्टअप है हेंस उसके वैल्यूएशन के लिए एबिट्टा मल्टीपल के बजाय रेवेन्यू मल्टीपल का यूज किया गया था। हेंस डो डैश का रेवेन्यू वैल्यूएशन मल्टीपल इज 17x। अगर यही 17x का रेवेन्यू मल्टीपल हम जोमैटो के केस में अप्लाई करें देन जोमैटो का वैल्यूएशन केवल $4 बिलियन आता है विच इज सिग्निफिकेंटली लोअर देन $6.4 बिलियन वैल्यूएशन टारगेट जोमैटो के आईपीओ के बाद। अगर जोमैटो को अपने ड्रीम वैल्यूएशन विच इज $10 बिलियन का वैल्यूएशन अचीव करना है देन उसको 40x के अस्टाउंडिंग रेवेन्यू मल्टीपल का वैल्यूएशन अचीव करना होगा विच इज एक्सट्रीमली अनलाइकली इन एनी सिनेरियो। नाउ डोडैश जैसी कंपनी को भी 17x का वैल्यूएशन मल्टीपल तब मिला जब कोविड पैंडेमिक में डोडैश का रेवेन्यू जम्प 200% क्वार्टर ऑन क्वार्टर उसके आईपीओ लिस्टिंग से जस्ट पहले। ऑल्सो आईपीओ लिस्टिंग के जस्ट बाद डोडैश का रेवेन्यू जम्प 268%। ऑन दी अदर हैंड ये डोडैश का डेटा जोमैटो के डेटा के शार्प कॉन्ट्रास्ट में है सिंस जोमैटो का कोविड पैंडेमिक में रेवेन्यू डिक्लाइन देखने को मिला था इन द सेम पीरियड। जोमैटो का टेक रेट काफ़ी ज़्यादा है एट 22% ऑफ द ऑर्डर वैल्यू। फॉर कंपैरिजन डोडैश का टेक रेट इज ओनली हाफ ऑफ जोमैटोज टेक रेट। जोमैटो का ये फिगर इसलिए भी इतना हाई है सिंस वो इंडियन मार्केट में स्विगी जैसे कंपनी के साथ डुओपोली कंपटीशन में है। अलार्मिंग सिचुएशन अबाउट जोमैटो। जून 2020 के क्वार्टर में जोमैटो ने ₹29 का कंट्रीब्यूशन मार्जिन रिपोर्ट किया जिसकी वजह से कंपनी का लोएस्ट ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू इन द लास्ट 2 ईयर्स रिकॉर्ड किया गया था विच वॉज जस्ट ₹1,094 करोड़ ओनली। ये नंबर एक अलार्मिंग सिचुएशन दो वजह से है। सबसे पहला ये है कि लोएस्ट ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू का नंबर नेगेटिव इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे जोमैटो का वॉल्यूम फ्यूचर में ग्रो होगा वैसे वैसे कंपनी को ज़्यादा लॉस होगा। दूसरा रीज़न फॉर अलार्मिंग सिचुएशन है जोमैटो के टॉप मैनेजमेंट का टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन हैंडलिंग ऑफ द सिचुएशन। जोमैटो का एस्टिमेटेड मंथली कैश बर्न रेट अप्रॉक्सीमेटली $1 मिलियन है बट ऑन द अदर हैंड उसका रेवेन्यू जनरेशन ओनली 60% है ऑफ द प्री कोविड लेवल्स। रियलिटी ये है कि जोमैटो ने FY 2020 के फर्स्ट 9 मंथ्स में ₹685 करोड़ का मैसिव लॉस किया है। जोमैटो के लिए बैड न्यूज़ सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होता। जोमैटो के लिए एक और भी बड़ी प्रॉब्लम है उसका यूनिट इकोनॉमिक्स। एक रीज़न एवरेज ऑर्डर वैल्यू का अप्रॉक्सीमेटली ₹400 तक पहुंच जाना ड्यूरिंग कोविड पैंडेमिक ये है कि कोविड पैंडेमिक ने जोमैटो के कस्टमर्स का डेमोग्राफिक प्रोफाइल चेंज कर दिया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मोस्ट ऑफ द बैचलर्स जो मेट्रो सिटीज़ में काम करते थे एंड रेगुलर कस्टमर थे जोमैटो के वो अपने अपने होम टाउन चले गए हैं। सो इवेंचुअली जोमैटो का कस्टमर बेस अब बाय डिफॉल्ट लार्ज फैमिलीज रह गई है जो यूजुअली 3 to 4 मेंबर्स का ऑर्डर एक साथ करते हैं। हेंस ये एक मेजर रीज़न है जोमैटो के एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ने का रादर देन जोमैटो एक्चुअली फिगरिंग आउट अ वे टू इम्प्रूव दीज मेट्रिक्स। इंडियन फूड डिलीवरी मार्केट में जोमैटो को स्विगी के साथ डुओपोली की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हैं। बाय मोस्ट एनालिस्ट एस्टिमेट्स स्विगी का मार्केट शेयर जोमैटो से थोड़ा ज़्यादा है। इस डुओपोली की वजह से जोमैटो ने अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हुए हायर कमीशन रेट चार्ज किया फ्रॉम इट्स पार्टनर रेस्टोरेंट्स। बट जोमैटो का यह एडवांटेज काफ़ी जल्दी फिनिश हो जाएगा अगर एक बड़ा थर्ड प्लेयर जैसे कि अमेजोन फूड डिलीवरी सेगमेंट में एंटर कर लेता है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली ये है कि ऑल दो जोमैटो एंड स्विगी मेजर प्लेयर्स हैं इंडियन फूड डिलीवरी मार्केट में फूड डिलीवरी सेगमेंट हैज़ ज़ीरो कस्टमर लॉयल्टी। हेंस कस्टमर किसी एक प्लेयर से ज़्यादा कनेक्टेड नहीं होते एंड जहाँ भी ऑर्डर वैल्यू सस्ता दिखता है उधर से ऑर्डर कर लेते हैं। ये फिनोमिना एक शार्प कॉन्ट्रास्ट है 1980s में हुए कोला वॉर्स के टाइम जहाँ कस्टमर्स आइदर पेप्सी
या कोका कोला के लिए काफ़ी लॉयल होते थे। सो जोमैटो के लिए काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं वाई लिस्टिंग इन द इंडियन आईपीओ मार्केट। सबसे पहला रीज़न तो ये है कि जोमैटो के पब्लिक मार्केट में लिस्ट होते ही स्विगी को काफ़ी फ़ायदा होगा, सिंस स्विगी काफ़ी सारा कैश, इनफैक्ट हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर बर्न कर सकता है जस्ट बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग अ प्राइवेट कंपनी। जोमैटो के पास यूएस में लिस्ट होने का भी ऑप्शन था जस्ट लाइक फ्लिपकार्ट, बट अगर जोमैटो यूएस मार्केट्स में लिस्ट होता देन उसका कॉम्पिटिशन काफ़ी बड़े प्लेयर डोडैश से होता एंड इन्वेस्टर्स इन दोनों कंपनीज को कंपेयर करते बिफोर इन्वेस्टिंग इन देम। मोस्ट लाइकली जोमैटो एक नंबर टू प्लेयर साबित होता इन द यूएस मार्केट्स। इंडियन मार्केट्स में लिस्ट होने से जोमैटो हाउस होल्ड ब्रांड इमेज को लेवरेज कर सकता है एंड इट कैन होप दैट ये ब्रांड इमेज उसके आईपीओ में बाइंग इंटरेस्ट शोकेस करे फ्रॉम द रिटेल इन्वेस्टर्स। सॉफ्टबैंक ने भी आफ्टर कंपैरिजन ऑफ बोथ कंपनीज स्विगी में इन्वेस्ट किया, हेंस अब जोमैटो के लिए प्राइवेट मार्केट्स से फंड रेज करना और भी मुश्किल हो जाता। जोमैटो के वन ऑफ द अर्लीस्ट इन्वेस्टर्स इन्फो एज ने भी अनाउंस कर दिया कि वो अपने इन्वेस्टेड $100 मिलियन को ओपन मार्केट में टेंडर करने का प्लान कर रहा है ड्यूरिंग जोमैटोज आईपीओ। इन सारी प्रॉब्लम्स के साथ साथ जोमैटो के लिए एक और बड़ी प्रॉब्लम है, दैट इज सेबी का न्यू इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग रूल्स की वजह से जोमैटो के टॉप मैनेजमेंट को इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को कन्विंस करना पड़ेगा कि जोमैटो इज ऑन अ पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी इन द कमिंग क्वार्टर्स। नेवरदलेस आईपीओ के बाद जोमैटो को भी क्वार्टर बाय क्वार्टर प्रॉफिट एंड ग्रोथ रिजल्ट्स डिलीवर करने पड़ेंगे जस्ट लाइक एनी अदर लिस्टेड कंपनी। सो फ्रेंड्स, ये था वीडियो एक्सप्लेनिंग द अदर साइड ऑफ द रोजी पिक्चर ऑफ जोमैटोज आईपीओ। अगर आप जोमैटो के आईपीओ में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं देन बी केयरफुल एंड थिंक अगेन बिफोर इन्वेस्टिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो सो दैट बाकी रिटेल इन्वेस्टर्स भी अवेयर हो सकें। सो सी यू अगेन द नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।